म्यांमार में सेना का प्रदर्शनकारियों पर अत्याचार जारी है। संयुक्त राष्ट्र ने सेना से प्रदर्शनकारियों के ऊपर बल का इस्तेमाल नहीं करने को कहा है, लेकिन सेना ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर बल का इस्तेमाल किया। म्यांमार के सुरक्षा बलों ने पिछले महीने हुए सैन्य तख्तापलट के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोलियां चला दी। इस गोलीबारी में कम से कम 10 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। 1 फरवरी को हुए सैन्य तख्तापलट के खिलाफ हर दिन म्यांमार में प्रदर्शन हो रहे हैं। सेना ने चुनी हुई नेता आंग सान सू की पर भी नए आरोप लगाए, जिन्हें उसने 1 फरवरी को अपदस्थ कर दिया था। सेना ने राजनीति नेपिता में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सूकी ने साल 2017-18 में अपने राजनीतिक सहयोगी यंगून के पूर्व मुख्यमंत्री फ्योमिन तेन से अवैध तरीके से 6 लाख अमेरिकी डॉलर और सोना हासिल किया था। म्यांमार सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल जॉ मिन तुन ने कहा कि फ्योमिन तेन ने सूकी को पैसे और सोना देने की बात एक्सेप्ट की है, हालांकि उन्होंने कोई सबूत पेश नहीं किया। इससे पहले सुरक्षा बल ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां भी चलाई हैं, जिसमें 60 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा उन पर आंसू गैस, रबर की गोलियां और पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया गया और कई प्रदर्शनकारियों की बर्बरता से पिटाई की गई। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा बल ने बुधवार को सर्वसम्मति से सैन्य तख्तापलट को वापस लेने की अपील की और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा की कड़ी निंदा की थी। हमारे वीडियो को लेकर आपकी क्या है प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष।